अपॉर्चुनिटी क्या है? दोस्तों ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी क्या है। आज मैं कुछ इसी तरीके की एक एग्जांपल के साथ आपको बताने वाला हूँ अपॉर्चुनिटी होता क्या है, अवसर। दोस्तों हम सभी लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा लाइफ बिताएं, और उस लाइफ को अच्छा बिताने के लिए हमें एक व्यवसाय या फिर एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। जॉब तो हमें मिल जाती है और हम धीरे 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 आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों अपॉर्चुनिटी जो है वो सभी के पास आती है, वो एक छोटा आदमी हो या फिर बहुत बड़ा हो, कभी ना कभी उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, और जब जब वो अपॉर्चुनिटी को लेता है, अपॉर्चुनिटी के साथ जाता है, तब तक वो धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ करता रहता है। यही अपॉर्चुनिटी है। आज मैं एक ऐसे ब्राह्मण की कहानी आपको बताने वाला हूँ जो अपॉर्चुनिटी का मतलब कुछ और समझता था। ये कहानी एक उस गाँव की है जहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। वहाँ पर एक गांव था और उस गांव में एक मंदिर था, पास में ही एक नदी था, और उस समय नदी में पानी का बहाव का स्तर बहुत बढ़ता जा रहा था। ये घोषणा होती है कि कुछ समय के बाद ही बांध टूटने वाली है। बांध टूटने वाली है, ये शब्द सुनकर गांव के सभी लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, पर वो ब्राह्मण शांत बैठा रहता है। वो कहता है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बचाने के लिए मेरे भगवान आएंगे। वो सही कह रहा था, दरअसल उसके भगवान ही उसको बचाने आएंगे। यही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को ही लेना जरूरी है। अभी मैं इस कहानी में अभी आपको बहुत चीज़ बताने वाला हूँ। अब क्या होता है कि बांध वो टूट जाती है, और जैसी वो बांध टूटती है कुछ लोग निकल चुके होते हैं गांव से, कुछ लोग जो बच जाते हैं वो भी अपने सामानों को लेकर निकलना स्टार्ट होते हैं। गांव में बस कुछ लोग ही बच जाते हैं, गांव में पानी का बहाव बढ़ता रहता है, तभी बचाव कर्मी वाले लोग आते हैं और लोगों को नाव से ले जाना स्टार्ट करते हैं। पानी का स्तर जो होता है वो मंदिर के एक हिस्से को पूरा भर देता है। ब्राह्मण हट लगा के बैठा रहता है कि मुझे बचाने तो भगवान आएंगे। तभी नाव से गुजरता हुआ एक पुलिसकर्मी ब्राह्मण को कहता है कि आप नाव पे बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान पे ले चलता हूँ। बट ब्राह्मण कहता है कि जब तक मुझे भगवान लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। ब्राह्मण अपने जिद पे अड़ा रहता है और जाकर मंदिर की ऊपर की छत पे बैठ जाता है। पानी का बहाव बढ़ते बढ़ते मंदिर के छत तक पहुँच जाता है। तभी जहाज से जो हेलीकॉप्टर होता है उससे एक आर्मी वाला आता है और ब्राह्मण को कहता है कि आप इस हेलीकॉप्टर पर बैठ जाओ, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। पर ब्राह्मण जिद लगाए रहता है कि मैं भगवान के आने के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि मैं जीवन भर भगवान की पूजा करता रहा हूँ और मैं भगवान के साथ ही जाऊँगा। वो अपने जिद पर अड़ा रहता है क्योंकि उसका विश्वास है और वो अपने जगह पर सही भी है। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता रहता है और वो मंदिर डूब जाता है, साथ में कुछ समय के बाद वो ब्राह्मण भी डूब जाता है और इस कारण ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी शब्द कहीं भी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ अपॉर्चुनिटी शब्द इसमें आया है कैसे। जब ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है तो वो भगवान के पास जाता है, भगवान से रुष्ट शब्दों में बोलता है, भगवान मैंने आपकी जीवन भर पूजा की और आप मुझे बचाने नहीं आए। ये शब्द सुनकर भगवान बोलते हैं, ए मूर्ख मैं तुझे बचाने नहीं आया, वो गांव वाला कौन था? मैं ही तो था जो तुझे लेने के लिए आया, मैं नहीं तो था जो तुझे बताया कि बांध टूटने वाली है, मैं तुझे
नाव से भी बचाने आया, और अंत में मैं तुझे उस हेलीकॉप्टर से भी बचाने के लिए आया, पर मूर्ख तू समझ नहीं पाया वो अपॉर्चुनिटी को। तू क्या सोच रहा था कि कोई सूंड वाला या कोई और तरीके का देव ही आपको बचाने आएगा? अरे मूर्ख, भगवान तो सभी के अंदर है, अवसर को पहचानना सीख। और यही गलती उस ब्राह्मण ने की थी, उसने इस चीज को पहचान नहीं पाया और अपनी जान को गंवा बैठा। दोस्तों, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। अपॉर्चुनिटी का यही अर्थ है कि जब भी आपको मिलता है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उसे लेते हैं या उसे गंवा देते हैं। क्योंकि यदि आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं तो बाद में आपको अफसोस ही होता है। तो अपॉर्चुनिटी को पहचानना सीखिए। उस ब्राह्मण की तरह गलती मत कीजिए कि आप यदि किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो आपके लिए ही जवाबदेह रहेगा। आपके रूप आपके लिए वो किसी न किसी रूप से आपके पास आता रहता है, बस आपको उसको पहचानने की देरी है। यदि आपने उसे पहचान लिया तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, अन्यथा उस ब्राह्मण की स्थिति जैसा ही आपका हाल होगा। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में कुछ अच्छे विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।